बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजकोषीय नीति या बजेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं और राजकोषीय नीति को व्यवहारिक स्तर पर धरातल पर उतारने के लिए सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है और बजट में संपूर्ण प्राप्ति एवं व्यय का विवरण होता है। प्राप्तियों के अंतर्गत जो है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जो है कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इसी में हम लोग जो है कर राजस्व का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें करारोपण एक महत्वपूर्ण जो है सेक्शन बनता है। तो करारोपण को हम लोग आज के इस चैप्टर में जो है आज के इस क्लास में जो है समझने का जो है प्रयास करेंगे कि करारोपण का तात्पर्य क्या होता है, कितने प्रकार से करारोपण होते हैं, कौन कौन से मुख्य टैक्सेस हैं और उनके क्या स्वरूप होते हैं, कब कब जो है वो बनाए गए हैं और कर के संदर्भ में कुछ सिद्धांतों का भी जो अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से हम राजस्व प्राप्ति के एक महत्वपूर्ण स्रोत कर को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो करारोपण जो है वो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण युक्ति है। करारोपण राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण जो है युक्ति है जिसके माध्यम से सरकार को जो है आय प्राप्त होती है और ये करारोपण इसलिए सरकार के द्वारा जो है लगाया जाता है जिससे सरकार को जो है राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसके माध्यम से वह समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोगों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ वह विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित करता है और डंपिंग की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने अप्रयुक्त जो है सामग्री वस्तु या सेवा को जो है किसी अन्य या दूसरे देशों में निर्यात करना चाहता है तो वह देश जो है अपने पॉलिसी में या कर की नीतियों में परिवर्तन करके उस वस्तु पर टैक्स अगर बढ़ा देता है तो वहाँ से वह सामग्री किसी देश में नहीं आ पाती है, यानी कि जिस देश के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाएगा वहाँ पर वह सामग्री नहीं आएगी, तो इससे जो है डंपिंग से बचने में जो है मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो है करारोपण का जो उद्देश्य होता है वो कुल मिलाकर के कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है नंबर एक, और नंबर दो है कि इससे जो है असमानता को कम किया जाता है, असमानता को कम किया जाता है, कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है, कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है और डंपिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, डंपिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी डंपिंग के संदर्भ में जब सरकार के द्वारा इससे बचने के लिए प्रयास किया जाता है या कोई नीति बनाई जाती है तो उसको एंटी डंपिंग कहा जाता है, एंटी डंपिंग पॉलिसी उसको कहते हैं कि सरकार के द्वारा इस एंटी डंपिंग के लिए कि यानी कि डंपिंग ना हो सके। डंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के जो है अप्रयुक्त वस्तु या सामग्री को किसी दूसरे देश में ले जाकर के डंप कर देना, निर्यात कर देना, तो वो चीजें डंपिंग कहलाती है। और जब कोई देश इससे बचने के लिए कोई नीति या पॉलिसी बनाता है तो वह एंटी डंपिंग कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत जो है वह सीमा शुल्क को बढ़ा देता है। जब कोई देश सीमा शुल्क को बढ़ा देगा, अगर कोई देश बढ़ा दे रहा है और बाहर से जैसे भी कोई वस्तु यहाँ पर प्रवेश करेगी तो यहाँ पर शुल्क जब बढ़ जाएगा उसका तो वस्तु महंगी हो जाएगी और इस देश में आकर के वह बाजार से बाहर हो जाएगी, क्योंकि बाजार जो है कम्पिटेटिव प्रतिस्पर्धी जो है मूल्य पर किसी सामग्री को खरीदेगा और जब चूंकि यहाँ पे टैक्स बढ़ जाएगा तो वह अंदर जो है प्रवेश करेगी भी या आएगा, बस सामान आएगा तो वह जो है जनता के प्रतिस्पर्धी मूल्य से अधिक होगा तो वह वस्तु जो है जनता के द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो है इस एंटी डंपिंग या टैक्स या शुल्क के बढ़ोतरी के माध्यम से इस पर भी जो है नियंत्रण कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है। तो ये जो है करारोपण के जो है उद्देश्य होते हैं, करारोपण के ये उद्देश्य होते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो राजस्व की प्राप्ति ही होता है, क्योंकि इसके माध्यम से देश के सामान्य प्रशासन का संचालन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो है आयोजित किया जाता है, गरीब के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, अन्य सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए या गरीबों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए सब्सिडी या अनुदान की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके की जो व्यवस्थाएं और उद्देश्य होते हैं जो कि करारोपण के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, अर्थात जो करारोपण जो है वो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हथियार या एक युक्ति या माध्यम है।
तो अर्थ के बाद हम लोगों ने उद्देश्य को देख लिया। अब हम इसके जो है प्रकार को जो है समझेंगे कि कर आरोपण या कर के जो स्वरूप के आधार पर, जैसे कर कई प्रकार से हैं जो भारत में जो है चल रहे हैं, हालांकि काफी कुछ करों को 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी के रूप में जो है बदल दिया गया है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया, तो काफी कुछ टैक्स जो है एक में जो है समन्वित हो गए हैं। परंतु उसके पहले भी हम कुछ कर के प्रकार को पढ़ेंगे, जिससे उसके पहले की व्यवस्था के बारे में कुछ जो है जानकारी हमें हो पाएगी। तो कर को जो है हम 3 आधारों पर जो है प्रकार को देखते हैं। इसे हम थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। एक जो है प्रगतिशीलता के आधार पर है, प्रगतिशीलता के आधार पर, और दूसरा है जो है करदाता संबंध के आधार पर, करदाता संबंध के आधार पर, और तीसरा है जो है कर के जो है स्वरूप के आधार पर, या कर आधार पर जो है कर स्वरूप के जो आधार पर। प्रगतिशीलता के आधार पर कर जो है वो 3 तरीके से होता है, प्रगतिशील कर, प्रगतिशील, दूसरा है प्रतिगामी, और तीसरा है जो है आनुपातिक, प्रोपोर्शनल, आनुपातिक, यानी कि प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। ये 3 प्रकार से प्रगतिशीलता के आधार पर होते हैं। और करदाता संबंध के आधार पर जो है वो प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है जो है अप्रत्यक्ष कर। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंतर को जो है समझा था कि जब जो है जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है वही कर का भुगतान भी करता है, तो वो डायरेक्ट हो जाता है, और जब किसी कर को किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है परंतु वह जो है उस कर को किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है तो वह इनडायरेक्ट कर होता है, यानी कि कराघात और करापात अलग अलग हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है वो कराघात होता है, जिसके स्तर पर अंतिम रूप से भुगतान किया जाता है वो करापात होता है। तो यहाँ पर कराघात और जो है करापात जो है दोनों अलग अलग होता है, किसमें? अप्रत्यक्ष कर में। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वह चैन के रूप में पहले आता था, जैसे बिक्री कर के रूप में हम लोग ये सब करों को सम्मिलित करते थे, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जो है आता था कि जैसे उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद वह स्टॉक में गया, फिर उसके बाद जो है थोक विक्रेता, फिर जो फुटकर विक्रेता, फिर उपभोक्ता के स्तर पर जाता था, तो वहाँ पर जो है टैक्स जो उत्पादन किया उसका मूल्य निर्धारित किया जो है वस्तु का, तो वहाँ पर वो जो पहले व्यक्ति जो है गया थोक विक्रेता तो उससे ले लिया, लेकिन वह व्यक्ति टैक्स अदा नहीं कर रहा है, वह अंतिम रूप से जो है उपभोक्ता पर जो है जा रहा है, इसलिए वह जो है लगाया तो जाता है थोक विक्रेता के ऊपर, परंतु वह जो है अंतिम रूप से स्थानांतरित कर देता है उपभोक्ताओं के स्तर पर। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है हो जाता है। स्वरूप के आधार पर कर जो है 3 प्रकार से है। आयकर, संपत्ति कर, और तीसरा जो है वह उत्पाद कर है। तो आय कर में जो है व्यक्तिगत आयकर और निगम कर जो है सम्मिलित होते हैं, इसमें व्यक्तिगत आयकर और निगम कर होता है। संपत्ति कर में संपदा कर, धन कर और जो है उपहार कर जो है सम्मिलित होते हैं, और उत्पाद कर में जो है वस्तु का उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, वस्तु और सेवा कर, जो कि वर्तमान में जीएसटी के रूप में जाना जा रहा है और 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित हो रहा है, क्योंकि जीएसटी को कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है, और यह विभिन्न प्रकार के जो है अप्रत्यक्ष करों को जो समन्वित करके वस्तु एवं सेवा कर के रूप में लागू किया गया है, और 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। तो इस तिथि को भी याद कर लेना, यद्यपि यह फैक्ट है, कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था टैक्सेशन के क्षेत्र में, तो इसे जो है याद रखना जो है जरूरी होगा। कई जगहों पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका उत्तर लेखन जो प्रभावी होगा, साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण डेट था जिससे परिवर्तन हुआ, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब इसमें हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसे जो है समझने का जो प्रयास करेंगे।
प्रगतिशील कर एक ऐसा कर होता है जो आय बढ़ने के साथ साथ जो बढ़ जाता है। प्रगतिशीलता का मतलब क्या होता है, जैसे सामान्य अगर हम जीवन में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रगतिशील जो है सोच का है, यानी कहने का मतलब ये होता है प्रगतिशील सोच का ये है कि समय के अनुसार जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे वो अपने में बदलाव लाता है, सोचने का दायरा उसका बढ़ता है, वो अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करता है, अद्यतन बनाने का प्रयास करता है, तो ये कहा जाता है प्रगतिशील सोच। उसी तरीके से जब हम टैक्स में प्रगतिशील शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आय के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के जो है आय लगातार बढ़ रही है तो उस बढ़ते हुए आय के साथ साथ यहाँ पे कर की दर भी बढ़ जाती है तो वो कहलाता है प्रगतिशील कर। उसे क्या कहा जाता है, प्रगतिशील कर कहा जाता है। प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव यानी कि पीछे, प्रगतिशील का उल्टा है। जैसे इसमें कर आय बढ़ने के साथ बढ़ता था वैसे यहाँ पर जो है आय के बढ़ने के साथ साथ ये कर घट जाता है तो ये जो है प्रतिगामी कहलाता है। आनुपातिक का तात्पर्य ये होता है कि आय बढ़ने के साथ भी जो है वह कर की दर स्थिर होता है तो उसे आनुपातिक ही कर कहा जाता है। अब अगर भारत के संदर्भ में इसको देखा जाए कि भारत में जो टैक्सेशन की व्यवस्था है अगर इनकम टैक्स के रूप में देखा जाए तो किस तरीके की कर व्यवस्था, तो भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों को भी जो है अपनाया गया है। यद्यपि प्रतिगामी एक कर का प्रकार है परंतु यह वर्तमान वैश्विक संदर्भ में जो है व्यावहारिक स्तर पर कम लागू होता है। यह ज्यादातर जो है प्रगतिशील और आनुपातिक प्रकार की जो कर की व्यवस्था है वही क्रियान्वित होती है। अब भारत में जैसे है तो भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों है। जैसे किसी व्यक्ति की आय अगर देखा जाए तो पहले वो शुरुआती दौर में कर के आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, 5% है, 20% है, 30% है, लेकिन उसके बाद एक लिमिट के बाद जो है 30 लाख से ऊपर अगर कोई इनकम है तो फिर वहां हमेशा 30% है, चाहे आपकी 5 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 30 करोड़। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद वह जो है आनुपातिक हो जाता है, यानी कि आय कितनी भी बढ़ रही हो लेकिन वह कर की दर उतनी ही रहती। तो इसलिए भारत में एक सीमा तक जो है अगर भारत में देखा जाए तो एक सीमा तक कर जो है वो प्रगतिशील प्रकार का कर है और उसके बाद जो है वो आनुपातिक प्रकार के कर व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो ये थी जो है प्रगतिशीलता के आधार पर कर के जो प्रकार, जिसके अंतर्गत जो है प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर और प्रतिगामी प्रकार के कर जो है आते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हमने अभी बताया कि कर एक ऐसा कर जो जिसका कि कराघात और करापात जो है एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति कर का भुगतान करता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वह व्यक्ति उस कर को स्थानांतरित कर देता है, यानी कि लगाया किसी व्यक्ति के ऊपर जाता है लेकिन भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। अगला जो है वो स्वरूप के आधार पर तो आय कर, संपत्ति कर और उत्पाद कर है। इसके अंतर्गत जो है कुछ इस वर्गीकरण में भी जो है इसके अंतर्गत कुछ कर जो है सम्मिलित हैं, जैसे व्यक्तिगत आय कर है और निगम कर है। इसी तरीके से संपत्ति कर में भी जो है संपदा कर, स्टेट टैक्स जिसको कहा जाता है, या संपदा कर इसको कह सकते हैं, और धन कर और उपहार कर। उत्पाद कर के अंतर्गत जो उत्पाद शुल्क है, इसके अलावा सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, वस्तु और सेवा कर है, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जो है आते हैं। जिससे 1 जुलाई 2017 से बार बार इस जो है डेट का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो सके, और कहीं पर अगर आप प्रयोग करते हैं इससे संबंधित जो है कंटेंट का, इससे संबंधित जो है सामग्री का, तो आप उसमें इस प्रकार के जो है फैक्ट का अगर यूज करेंगे तो आपका उत्तर लेखन जो है प्रभावी होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। अब हम इसे जो है एक एक करके जो है इसका विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा। पहला इसमें हम लोगों ने देखा था आय कर है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। सबसे पहली बार जो है 1860 ईस्वी में जो है इसे लागू किया गया था, 1860 ईस्वी में लागू किया था। और आपको ध्यान में होगा इसके पहले जब हम बजट का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर 1860 ईस्वी में पहली बार बजट भी बनाया गया था, और बजट जो है वो जेम्स विल्सन के द्वारा जो है
बनाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जो है ये बजट पहली बार बजट जो है वो जेम्स विल्सन के द्वारा बनाया गया था, इसी के कारण से जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है, यानी कि 1860 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था बजट में। और 1860 ईस्वी से ही भारत में जो है वो आयकर के बारे में भी जो है वो प्रावधान किया गया था। आयकर के बारे में पहला प्रावधान जो है, अगर ऐतिहासिक स्तर पर अर्थव्यवस्था के विकास क्रम पर नजर डाला जाए तो ये पहली बार 1860 ईस्वी में बनाया गया था। तो 1860 ईस्वी में बनाया गया आयकर है, और इसको जो है क्रियान्वित और संचालित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1861 बनाया गया। 1861 यानी कि आयकर अधिनियम 1861 बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार से आय वर्ग के लोगों के ऊपर जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है टैक्स लगाया जाता है, और जिस तरीके की जो भी टैक्स आय के दायरे में आते हैं वो उसी अनुपात में जो है टैक्स अदा करते हैं। और टैक्स अदा करने के लिए जो हमारा जो समय सीमा है वो है वित्तीय वर्ष के रूप में होता है, और वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में होता है, कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति 12 महीने में जो भी इनकम प्राप्त करता है वो आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अंतर्गत ही जो है टैक्स का भुगतान करता है। तो ये व्यवस्था जो है इसके संदर्भ में है कि आयकर जो है सबसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया, और इसको क्रियान्वित करने के लिए एक्ट जो बनाया गया वो ये है। आयकर जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत आय पर लगाई जाने वाली जो है कर होती है, एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के आय के ऊपर जो लगाई जाने वाली ये कर जो होती है वो इनकम टैक्स के रूप में जानी जाती है। इसके बाद जो है दूसरा है, आता है जो है निगम कर। दूसरा है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर भी जो है एक प्रकार का, अगर देखा जाए तो निगम कर यह भी जो है आय से संबंधित है, लेकिन यह औद्योगिक घरानों के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों का जो आय होता है उसके ऊपर ये जो है टैक्स लगाया जाता है। पहली बार निगम कर भी जो है 1860 ईस्वी में ही जो है लगाई गई थी। 1860 ईस्वी में पहली बार जो निगम कर लगाया गया था, यद्यपि पहले इसको जो सुपर टैक्स के नाम से भी जो जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे जो है कॉर्पोरेट या निगम कर कर दिया गया जो है। और यह निगम कर जो है कंपनियों के निबल जो है लाभांश पर लगाया जाता है, यानी कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अगर कंपनी किसी भी आइटम में डीलिंग करता है या आइटम का खरीद फरोख्त करता है, उत्पादन करता है, जो भी काम कर रहा है कंपनी के स्तर पे, तो अगर वो 1 करोड़ रुपये उसमें जो है निवेश करता है और लास्ट में जो है उसे टोटल उसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ का है, यानी कि जो है उसका निबल जो लाभ है वो 50 लाख रुपए आया, यदि इसके अन्य सभी खर्चों को अभी थोड़े समय के लिए जो हटा दिया जाए, यद्यपि उसमें भी खर्च होते हैं और वो सारी चीज़ें निकाल करके जो लाभ होता है वो निबल लाभ यानी कि शुद्ध लाभ कहलाता है, और उसी पर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका क्या होता है, निगम कर होता है, निगम कर होता है। जब आर्थिक सुधार का युग प्रारंभ हुआ, भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किया गया था, इसके पहले भी कई लेक्चर में हम लोगों ने इस पे से डिस्कशन किया हुआ है। आर्थिक सुधार यानी कि 1991, हमेशा से कुछ ऐसे डेट होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में या किसी भी प्रकार की गतिविधि में एक व्यापक परिवर्तन होता है, तो उस डेट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी आर्थिक सुधार की बात आती है या नई आर्थिक नीति की बात तो आती है या नई औद्योगिक नीति की बात आती है, नई व्यापार नीति की बात आती है, तो वो सब चीजें 1991 यानी कि 1991 की डेट को हमें ध्यान में रखना होगा, यानी कि 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति प्रारंभ हुई और उसे आर्थिक सुधार के रूप में देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो भी बाधाएं होती थी या इस तरीके की जो भी समस्याएं होती थी उस पर जो समस्याएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। अर्थव्यवस्था में एक निवेश का स्वस्थ माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके देश में, और इसके माध्यम से देश में विकास को एक गति प्रदान किया जा सके। तो डेफिनेटली 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति जब प्रारंभ की गई तो उसमें जो निर्यातोन्मुखी जो औद्योगिक घराने थे, फर्म थे, या जो कुछ जीवन यापन के लिए संवेदनशील और आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन करते थे उनको निगम कर से छूट दिया गया, तो वह इसके कारण से ज्यादातर कंपनियां जो है क्या हुई, वो शून्य निगम कर के दायरे में आ गई, शून्य निगम कर के दायरे में आ गए। लेकिन 1997 ईस्वी में जो है 1997 ईस्वी में एक जो है नए कर की व्यवस्था की गई जिसको मैट कहा गया। 1997 ईस्वी में एक मैट की व्यवस्था की, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स,
यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक कर की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से जो एक निश्चित जो है सीमा तक या एक निश्चित कर जो है प्रत्येक कंपनी को भुगतान करना ही पड़ा। इस तरीके की जो व्यवस्था या कॉन्सेप्ट था वो पी चिदंबरम के द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमी में इंड्यूस किया गया, यानी कि 1997 ईस्वी में जो मैट नाम का एक कर लगाया गया जो निगम कर के क्षेत्र में, वो जो है पी चिदंबरम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये व्यवस्था जो है निगम कर से जो संबंधित है। अब अलग अलग वर्षों में सरकार की बजेटरी पॉलिसी के अंतर्गत इस पे टैक्स की दरें जो है अलग अलग होती रहती हैं। तो ये आप लोगों ने इसका एक कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पर जो है बताने का आप लोगों को प्रयास किया। ये जो है निगम कर के रूप में आती, तो ये आयकर के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर और निगम कर को जो है सम्मिलित किया गया था। अब हम थोड़ा सा देखेंगे संपत्ति कर के रूप में जो है संपदा कर जो है, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही चर्चा कर ले रहे हैं। संपदा कर यानी कि जो है स्टेट टैक्स जिसको बोलते हैं, स्टेट टैक्स संपदा कर, ये जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है संपत्ति के हस्तांतरण पर या उत्तराधिकार पर टैक्स लगता था। 1953 ईस्वी में यह टैक्स जो प्रारंभ किया गया और 1985 ईस्वी में इसे समाप्त भी इस टैक्स को कर दिया गया, लेकिन यह टैक्स के स्वरूप के आधार पर जो है हम ऐतिहासिक क्रम में जो है इस चीज को जो है समझते हैं, ताकि हमारी जो समझ है हमारे सोचने का दायरा है वो व्यापक हो सके। इसी तरीके से जो धन कर होता था जो है, धन कर यानी कि वेल्थ टैक्स जो है, वेल्थ जो है टैक्स, वेल्थ टैक्स के रूप में जो है निबल मूल्यों पर जो है संपत्ति के निबल मूल्य पर जो है लगाई जाने वाली जो टैक्स होती थी। हालांकि इसके अंतर्गत जो है आवासीय जो भवन होते थे या बैंकों में जमा जो मूल्य होते थे उन को जो है इस कर से जो है मुक्त किया गया था, इससे जो है इसको बाहर कर दिया गया था। इन दोनों ही प्रकार के जो है कैटेगरी पर जो है यह टैक्स को जो है छूट प्राप्त था, और यह टैक्स जो है 1957 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था 1957 ईस्वी में। तो ये कर वर्तमान समय में बहुत ही व्यावहारिक नहीं है, परंतु थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो एक बृहद स्तर पर जो है सभी पक्षों और पहलुओं का विश्लेषण करना जो है वो आवश्यक है। एक है उपहार कर, उपहार कर को एकदम समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2009 और 10 के जो है बजट से, 2009 और 10 के जो वित्तीय 2009 और 10 के जो वित्तीय बजट के माध्यम से जो है 50,000 या इससे अधिक मूल्य के, 50,000 या इससे अधिक मूल्य का यदि उपहार कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसे उस फाइनेंशियल ईयर में उसके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर जो है इनकम टैक्स के रूल अप्लाई किए जाएंगे। तो ये जो है व्यवस्था है उपहार कर के जो है बारे में। ये जो है थी संपत्ति कर के अंतर्गत जो संपदा कर, वेल्थ यानी कि धन कर, और उपहार कर से संबंधित जो है कुछ जो है प्रावधान। अब हम चलते हैं जो है सेवा कर के बारे में, जो है सेवा कर, सर्विस टैक्स। हालांकि बाद में इन सभी को जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण टैक्स है जिसे 1994 ईस्वी में जो है 1994 ईस्वी में इसे चेलैया समिति की संस्तुति के आधार पर जो लागू किया गया था, 94 ईस्वी में चेलैया समिति की संस्तुति के आधार पर इसको लागू किया गया था, और इसे लागू करने के लिए 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 88वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, और इसे जो है अनुच्छेद 268 जो है का भी जो है संविधान में जोड़ा गया था, जो कि सेवा कर के लिए जो है समर्पित है, और इससे विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं पर जो है कर अप्लाई जो है किया जाता है। बाद में 2012 ईस्वी से जो है इसमें एक नकारात्मक सूची का भी प्रावधान किया गया। यह नकारात्मक सूची इसलिए व्यवस्था की गई थी ताकि इससे कुछ संवेदनशील या जरूरी प्रकार की जो सेवाएं जो जीवन यापन के लिए जो है बुनियादी हैं उनको टैक्स के दायरे से बाहर किया गया और उन्हें नकारात्मक सूची में जो सम्मिलित किया गया, ताकि ऐसे सेवाओं या उसकी सुपुर्दगी पर किसी भी प्रकार का टैक्स न दिया जा सके और उन्हें महंगा होने से बचाया जा सके। तो ये व्यवस्था थी जो है वो सेवा कर के बारे में, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था और वसूल किया जाता था। तो ये व्यवस्था थी जो सर्विस टैक्स के बारे में। अब हम अगला जो टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो वस्तु एवं सेवा कर है, यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे
कवर करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ये एक नए परिवर्तन के बाद आया हुआ है। इसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सुधार के रूप में देखा जा रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप में जो है देखने का प्रयास करेंगे, वस्तु योग सेवा कर। वस्तु योग सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको 60 में जो है जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ये जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी से इसको इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समन्वित करते हुए 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया। इस वस्तु एवं सेवा कर को जो है लागू करने के लिए वैधानिक जो व्यवस्थाएं की गई, जो उपबंध किए गए, उसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भी जो है किया गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, और इसके माध्यम से संविधान में 279A या का जो भी आप कह सकते हैं 279A आर्टिकल को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत जो है वो जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जीएसटी जो है परिषद जो है बनाया गया, जीएसटी परिषद बनाया गया। जीएसटी परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विभिन्न जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अपनी संस्तुतियां जो है सरकार को प्रस्तुत करती हैं। तो जीएसटी परिषद बनाया गया और जीएसटी परिषद ही जो है जीएसटी के बारे में जो है विचार करती है और उससे संबंधित अपनी संस्तुति जो है सरकार को प्रस्तुत करती है। तो ये वस्तु एवं सेवा कर के बारे में एक तथ्यात्मक जो जानकारी थी जो इस रूप में लागू की गई। अब जीएसटी के अंतर्गत जो है 4 प्रकार के जो है टैक्स बनाए गए हैं। एक तो सी जो है जीएसटी है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट है यस जीएसटी है, और अगला है जो है यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्यों के क्षेत्र में जो जीएसटी लागू होती है वहां पर ये व्यवस्था है, और एक है आई जीएसटी। ये सी जीएसटी और यस जीएसटी ये दोनों ही जो है किसी भी राज्य में वस्तु और सेवाओं की जो है आपूर्ति पर ये टैक्स लागू किया जाता है, लेकिन अगर कहीं बाहर स्टेट से अगर कोई भी जो है वस्तु या सामग्री आ रही है और उसकी सुपुर्दगी सुनिश्चित हो रही है तो वहां पे आई जीएसटी को लगाया जाता है, और ये यूटी जीएसटी जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लगता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर इस तरीके की सूची सामान के बाद जो है उसके वास्तविक मूल्य के बाद जो है वहां पर सी जीएसटी और जो है एस जीएसटी इस रूप में आई जीएसटी के रूप में जो है वहां पे एक चार्ट दिया होता है, जिससे उस वस्तु के वास्तविक मूल्य में जोड़ करके उसका जो है प्रभावी मूल्य बनाया जाता है, जो कि आप अपने उस इनवॉइस में जो है आप लोग देखते हैं। तो ये चीजें जो है इस जीएसटी के माध्यम से व्यवस्था की गई है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी के बारे में है। तो ये चीज आपको जानकारी जरूरी है कि 4 प्रकार के टैक्स इसमें, और जीएसटी के अंदर जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो 5 प्रकार से है। अब इसमें जो 5 में जो है 0 है, 5% है, 12% है, 18% है और 28%। 0, 5, 12, 18 और 28% इस 5 प्रकार से जो है चीजों को सम्मिलित किया गया। कहीं कहीं पर 4 ही लिखा रहता है, लेकिन 0 में कुछ चीजों को 0 टैक्स स्लैब में रखा गया, तो अभी एक प्रकार का टैक्स स्लैब है। तो टोटल जो है वो 5 प्रकार से जो हो जाते हैं टैक्स स्लैब को जो इसमें सम्मिलित किया गया है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है, जिसके आधार पर सरकार की नीतिगत स्तर पर आलोचना भी की जाती है कि यदि जीएसटी को लागू किया गया है तो उन कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है प्रोडक्ट्स को क्यों इसके दायरे से बाहर किया गया, क्योंकि यदि इन्हें जीएसटी के दायरे में उनको रखा जाता तो निश्चित तौर पर उन उत्पादों का मूल्य जो है कम होता और जो है जनता को कम दाम पे वो जो है प्राप्त होता। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, इसी तरीके से जो है अल्कोहल या शराब, इसे जो है इसके दायरे से बाहर किया गया है। विद्युत है, इसे भी बाहर किया गया है। तो विद्युत है, शराब अल्कोहल है, पेट्रोलियम है, ये इस प्रकार के उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। यदि इन्हें जो है जीएसटी के इन्हीं टैक्स स्लैब में रखा जाता तो ये
कम दाम पर जो है जनता को शायद प्राप्त होता, और इसी कारण से जो है सरकार के कर सुधार के क्षेत्र में लागू किए गए जीएसटी की एक नीतिगत आधार पर आलोचना भी की जाती है। ये कितना सही है या गलत ये सोचने और विश्लेषण करने का विषय है, परंतु इसकी जानकारी जो है आपको होना जो है आवश्यक है कि इसकी आलोचना क्यों किया जाता है। तो इसके आधार जो है यही जो है जीएसटी जो है बनते हैं। अब जीएसटी की जो है अगर विशेषता हम लोग जो देखें, विशेषता को देखें, क्योंकि यह एक व्यापक टॉपिक है जो वर्तमान समय में परीक्षाओं में जो है सामान्यतः पूछ भी लिया जाता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी का होना जो है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक्चुअली यह जो है वस्तु वो या सेवाओं के उत्पाद बिक्री पर न लगा करके उसके आपूर्ति पर लगाए जाने वाला जो है एक कर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उत्पत्ति आधारित करारोपण प्रणाली नहीं, बल्कि गंतव्य पर पहुंचकर आपूर्ति आधारित जो है करारोपण की जो व्यवस्था है। ये इसके अंदर जो है टैक्सेशन और वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर जीएसटी परिषद के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है, जीएसटी परिषद के द्वारा जो है उस पर निर्णय लिया जाता है, जिसपे जो है केंद्र सरकार की जो सहमति भी होती है। और इसमें जो है विशिष्ट राज्यों में जो है 10 लाख और सामान्य राज्यों में 20 लाख तक जो है कारोबार करने वाले जो है करदाताओं को जो है जीएसटी के दायरे से जो है छूट भी प्रदान किया गया, 20 लाख और जो है 10 लाख जो है। आप लोगों ने समझ लिया कि जो विशिष्ट जो है प्रकार के राज्य है वहां के लिए है, और सामान्य स्थिति में 20 लाख तक जो है कारोबार करने वाले करदाताओं को इसके अंतर्गत जो है इसको छूट दिया गया है। तो ये व्यवस्था जो है रही कुछ विशेषताएं जो है जीएसटी के संदर्भ में, और जीएसटी के संदर्भ में जो विशेषताएं थी। अब ये कभी कभी सवाल किया जाता है कि जीएसटी को लागू करने के पीछे क्या तर्क है, जीएसटी को क्यों लागू किया गया, जो क्या जो पूर्व में जो कर आरोपण की व्यवस्था थी या अप्रत्यक्ष कर की प्रचलित व्यवस्थाएं थी वो औचित्यपूर्ण नहीं थी, जिसको हटा करके जीएसटी को लागू करना पड़ा सरकार को। तो इस पे जो है भी विचार किया जाता है। तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक वस्तु के उत्पादन पर कई प्रकार की सेवाएं अलग अलग प्रकार से जो है आरोपित होती थी, कई प्रकार की सेवाएं ली जाती थी, तो एक बार वस्तुओं पर पुनः एक बार सेवाओं पर इस तरीके से कई प्रकार के टैक्स होते थे। तो एक सुधार के रूप में जो है सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि सभी को समन्वित करते हुए एक कर लगाया जाए, जिससे कर के बारे में जो है एक रूपता भी रहेगी, सरलता भी रहेगी, उसकी अदायगी में जो आसानी रहेगी। तो इन सभी बातों को जो है और तर्क को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के कानून जो है लागू किए गए थे। यद्यपि इससे कई बार आरोप भी लगते हैं कि एकरूपता भले ही बढ़ी है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं के जेब पर ज्यादा भार पड़ रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस को अप्लाई करते हुए उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। परंतु इस बात को ध्यान में रखने के साथ ही जो है हमें इस कंटेंट का जो है एक संतुलित रूप में जो है अध्ययन करना होगा, जिससे कि हमारी जो सोच है, हमारा जो उत्तर लेखन है, वह किसी पूर्वाग्रह से बाहर होकर के संतुलित रूप में जो है हो सके। तो यह इसके पीछे जो है लाभ है, तर्क जो है दिया जाता है। अब इसको लागू करने के पीछे लाभ के रूप में भी जो है कुछ तर्क दिए जाते हैं कि इससे एक ऐसी जो है बाजार प्रणाली बनेगी जिसमें जो है एकरूपता होगा, राष्ट्रीय बाजार प्रणाली विकसित होगी जिसमें जो है एकरूपता होगा, करदाताओं को भी जो है कर की अदायगी में आसानी होगी, क्योंकि एक ही प्रकार के सामान के लिए अलग अलग या दोहरे जो है कराधान से उसे मुक्ति मिलेगी, कर में जो एक रूपता होगी, कर को समझना आसान होगा। उपभोक्ताओं के स्तर पर भी ये चीज कहा जाता है कि यदि जो है प्रतिस्पर्धी रूप में जो है किसी सामान का उत्पादन होगा और अलग अलग प्रकार के करों से जो मुक्ति मिलेगी, तो कर की दर कम होने के कारण से वह वस्तु और सेवा कम दाम पर उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सकेगा। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है। अगला है कि चूंकि करों के बारे में एक रूपता होगी, इसमें जटिलताएं कम होंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस या इस तरीके की सुविधाएं अगर आएंगी, तो एक निवेश के स्वस्थ माहौल क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, तो उससे निवेश भी बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ेगा तो पूंजी और तकनीक आएगी, रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इसके पीछे कई तर्क जो है दिए जाते हैं। तो ये वस्तु एवं सेवा कर के बारे में एक बृहद स्तर पर जो विश्लेषण था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया, इसमें संविधान के अंतर्गत संशोधन किया गया, कौन से आर्टिकल अनुच्छेद उसमें जोड़े गए, कितने प्रकार के जो है जीएसटी कर बनाए गए हैं,
जीएसटी कर के कितने स्लैब हैं, जीएसटी कर की क्या विशेषताएं हैं, जीएसटी कर को लागू करने के पीछे क्या तर्क हैं और जीएसटी को लागू करने से क्या लाभ हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने इस लेक्चर में जो समेटने का प्रयास किया। अब जो है करारोपण का जो कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो कई बार यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि कर कितना होना चाहिए। जैसे कर के बारे में एक सरकार तो नियम बना देती है कि किसी भी आयकर के बारे में या निगम कर के बारे में जो है 30% या 5% या 20% इस तरीके के टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं, लेकिन इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि कितना टैक्स होना चाहिए जिससे जो है ना तो उपभोक्ताओं के ऊपर या आय वर्ग के ऊपर ज्यादा बोझ बढ़ सके और इससे जो है सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सके। तो इसी के लिए जो एक वक्र बनाया गया जिसको लाफर वक्र के नाम से जो है जाना जाता है, और लाफर वक्र ये बताता है कि कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच में इष्टतम स्तर पर एक बेहतर संबंध जो है स्थापित होता है। लाफर वक्र यानी कि कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच में संबंध स्थापित करने वाले जो है वक्र को लाफर वक्र के नाम से जाना जाता है। और ये लाफर वक्र बताता है या इसका सिद्धांत बताता है कि यदि इष्टतम स्तर पर कर की दर को लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में ज्यादा सर्वाधिक जो है राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि इष्टतम कर की दर होगी, मतलब न तो बहुत ज्यादा होगा न तो बहुत कम होगा, तो उस स्थिति में राजस्व जो है सबसे अधिक प्राप्त होगा। और अगर उस इष्टतम दर से यानी कि एक बिंदु से एक लाइन से अगर कम टैक्स लगाया जाएगा तो भी राजस्व कम प्राप्त होगा, या उससे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो भी कम होगा। उससे कम लगाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गणितीय स्तर पर स्टैटिकली कम प्राप्त होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो कर की चोरी होगी और राजस्व कम प्राप्त होगा। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर इस वक्र को जो है यहाँ पे बना करके देख लेते हैं। एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर यहां पर हम एक आंकड़े को जो है अंकित कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है आंकड़ा यहां पे बनेगा। 0 से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 और 80। ये हो गया। और इसी तरीके से इस पर भी जो है हम यहाँ पे निशान अंकित कर लेते हैं। दस है, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी और नब्बे। अब इसका वक्र जो है कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से जो है इसका वक्र जो है बनता है। अब इस पे जो है अगर कर की दर जो है यहां से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए 30 लगाया जाता है तो यहां पर प्राप्ति होती है, ये इस तरीके से बन जाएगा, इसका चार्ट इस तरीके से बनेगा। और लेकिन अगर यहां पर भी हम देखते हैं कि इस लिमिट पर जो है ये दिखाई पड़ता है 60 के जो है स्तर पर, ये सबसे ज्यादा जो है टैक्स यहां पर जो है प्राप्त होता हुआ यानी कि कर राजस्व जो है प्राप्त होगा। अब इससे ज्यादा पे भी अगर हम जो है इसको यहां पे ले आएंगे, ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो यहीं पर टच हो जाएगा, 80 पर जाकर के यहीं पर हो जाएगा। 70 की स्थिति 60 के स्तर पर अधिकतम प्राप्त होता है, और 70 पर अगर हम बढ़ेंगे तो ये सीधा घट करके जो 50 आ जाता है, और यहां पर अगर हम 20 पर लगाते हैं तो 30 प्राप्त होता है, 50 पर लगाते हैं तो 60 प्राप्त होता है। यानी कि 60 पर वो जो सबसे अधिकतम जो है वो टैक्स प्राप्त कर रहा है। तो ये लाफर वक्र जो इस चीज को बताने का प्रयास करता है कि एक इष्टतम स्तर पर अगर करारोपण की व्यवस्था की जाती है तो सरकार को उस समय जो है सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये व्यवस्था कहलाती है आपका लाफर वक्र, ये व्यवस्था कहलाती है लाफर वक्र। इसके माध्यम से हम कर लगाने और राजस्व प्राप्त करने के बीच में जो संबंध का भी जो अध्ययन कर पाते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है बजट के क्रियान्वयन में राजस्व प्राप्ति के कर राजस्व के अंतर्गत जो है करारोपण का अध्ययन किया। करारोपण के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने करारोपण के प्रकार को देखा, उसके उद्देश्य को देखा, विभिन्न प्रकार के करों का वर्गीकरण किया और लास्ट में जो है हम लोगों ने जीएसटी पर जो बृहद रूप में अध्ययन करने के साथ जो है लाफर वक्र के द्वारा कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच में संबंधों को समझने और जानने का जो प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस करारोपण और कर के विभिन्न प्रकार को जो समझने में आपको जो मदद मिली होगी। तो आज के संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम पुनः इसके अगले और अंतिम जो है क्लास को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने जो है अध्ययन को एक सही दिशा में लेकर के जो आगे बढ़ते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।